मिलिटेंसी के राह पे चला है, हम हमेशा तैयार है अगर उसको वापस आना है उसको मदद करने के लिए। एक चीज ठीक, आपका लड़का पिछले जितने महीनों से जहां पे चल रहा है मुझे नहीं पता उसका अंजाम, अगर वो आ जाता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम हमेशा तैयार है। और पिछले एक साल में मैंने जितना देखा इस इलाके में, एक साल तो मुश्किल है, एक साल ही मुश्किल है। ये मेरे मुझे दुख होता है ये शेयर करने में, लेकिन वो मेरा काम है, वो अपने राह पे टिका है, जो भी कर रहा है वो, मैं अपने राह पे टिका हूँ। ठीक है, मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, ना आपसे दुश्मनी है ना किसी भी भाई से मेरी दुश्मनी। ठीक है, ये समझ लीजिए। जिस भी दिन अगर मुठभेड़ की नौबत आ गई, हमें पता है यहाँ पे माहौल कैसा है। लारू में आपने देखा था कितना अनफॉर्चुनेट हुआ है, इससे पहले भी कई लोग खुद भी नहीं जहां पे भी हुआ है, हमारे बच्चे जो है मिलिटेंसी के अलावा भी जो है हमारे बच्चे मर रहे हैं। आप हमारे सीओबी के इतने नजदीक है, मेरा फिक्र ये है कि उस दिन ऐसा ना हो कि भावुक होके यहां पे कुछ ऐसा हो जिससे चार लोग और जो है अपनी जान से खा दें। हमारे पास हथियार होते हैं, हमारे लड़के जो है हमें काम मिला हुआ है यहाँ पे, और हमें पता है कि जनाजा और इसमें क्या हालत होती है। मेरी आपसे मशवरा है, आप बताइए क्या कर सकते हैं कि आप अगर यहाँ पे जनाजा करेंगे पड़ेंगे, हीरो लोग आएंगे हर जगह से, और उसके बाद वो सिचुएशन आपके हाथ में, बस कहाँ कहाँ से लोग आते हैं वो आपके हाथ में। मैं बहुत परिवारों से मिला हूँ, कोई नहीं चाहता है कि जनाजा में जो है माहौल बिगड़े। ठीक है, वो एक दुख का माहौल होता है। जनाजे की बात करने में मुझे दुख हो रहा है, ठीक है, बिकॉज मैं नहीं चाहता हूँ मेरे हाथ से कोई ऐसी हालत हो, नहीं चाहते। बट अगर उस दिन वो दिन आ गया, जिस दिन भी हुआ उस दिन अगर आ गया, अगर बीच में लड़का आपका आ जाता है, हम तो मैं बता रहा हूँ अभी भी बता रहा हूँ, हम उसको सकुशल वापस लेने के लिए हमें कोई कसर नहीं छोड़ा। जो भी माहौल बनता है याद रखना आप सब भी उसमें शरीक होंगे, और उस टाइम पे वो माहौल शांत रहता है कि नहीं उसके लिए आज ही से आपको सोचना पड़ेगा। तो मुझे बुरा और लगता है क्योंकि एक जो हथियार जिसने उठाया उसके खिलाफ हमने जो भी की वो मर गया, जो भी हो गया, बट उसके चक्कर में जब और चार बच्चे जो है, जो भूले भटके बच्चे वहां पे पहुंचते हैं और उनके ऊपर जो नुकसान होता है वो उससे ज्यादा दुख होती है, और उससे बचने के लिए आप ही मदद कर सकते हैं। आप जो भी आप इस सोसाइटी में, दो ही चीज हो सकती है, आप जनाजाइयों के पड़ो ही मत, लेकिन घर का मामला है, क्या करेंगे आप, चाहेंगे कि घर के अंदर ही हो सकता है। कब्र आपके बूढ़े बाप दादा भी यहीं पे दफन होंगे, हम कैसे बोलेंगे कि आप यहाँ पे दफन मत। हम वो सब सेंटिमेंट समझते हैं, लेकिन माहौल पे काबू रखना किसकी जिम्मेदारी, ये सोचिए। आज मैं सिर्फ ये सोच छोड़ने के लिए आया हूं, एक बार सोच लिया। तो उस दिन सबके जो है भावनाएं ऊंचे होंगे, उस दिन कोई सोचने के हालत में नहीं होगा, सोचना होगा आज जब हम शांति से हम बात कर सकते। मैं बार बार बता रहा हूं वो नौबत ही नहीं आनी चाहिए, ये मेरी कोशिश हर किसी फैमिली से मेरी यही कोशिश और गुजारिश रहती है कि आपका लड़का भूला भटका गया, हम हैं आपके साथ, आपको अगर वापस लाना है हम हैं आपके साथ। बट जब गोली चलती है उसके बाद मेरे साथ ऑलरेडी हो चुका है यहाँ पे, आपको भी पता है कितने सारे इनकाउंटर हो चुके हैं, और मैं वही सोच के आज आपके पास आ रहा हूँ कि वो नौबत अगर आ गई तो बाकी लोगों की जान ना जाए, बाकी कोई बेकसूर जो है किसी के शिकार, गोली का शिकार ना हो, बाकी कोई जज्बात में आके जो ऐसा कार्रवाई ना कर दे जिसके लिए उसको भी अपना जान गंवाना पड़े, वो आप ही मदद कर सकते ऐसा सोसाइटी ऐसा करना। क्या करना चाहेंगे आप, हमारे कंपनी कमांडर है यहाँ पे, बीच में आपसे बात होती रहती होगी, लेकिन ये जरूर ये बात सोच के रखिए।
मैं किसी का यहाँ पे नुकसान करने नहीं आया, हम यहाँ पे किसी का, मैं क्या, हम कोई भी, हम शांति के लिए आए यहाँ पे और आगे भी हम चाहेंगे यहाँ पे शांति के लिए। लेकिन जिस राह पे जो चल रहा है, अगर मुझे टास्क मिला हुआ है वो अपने राह पे चला है, मैं अपने राह पे चल रहा हूँ, ठीक है, मुझसे तो कभी ना कभी होना ही। लेकिन यही बात बस ख्याल रखिए कि किसी बच्चे की जो है, सारे बच्चे, ये सारे इसी समाज के बच्चे, ठीक है, और कश्मीर की खत्म होती जा रही है, ऐसे हमें बुरा लगता है। कल का नस्ल, कल का कश्मीर कौन संभालेगा? अगर ये जवान पीढ़ी अगर ऐसी खत्म होती जाएगी, कल का कश्मीर को कौन संभालेगा? लेकिन उस दिन के लिए आप लोग जरा एक बार जरूर गौर कीजिए, उस फाइनल डे के लिए। वो फाइनल डे ना आए, मैं फिर बता रहा हूं, मैं आपके साथ, बट अगर वो दिन आ गया, उस दिन आप क्या करना चाहेंगे, मैं चाहूंगा आप सोचिए, मशवरा कीजिए, दोस्त भाई गांव वाले बुजुर्ग आप सब है यहाँ पे, सोल्यूशन बनाइए, कंपनी कमांडर से जाके मिलिए, ये आप इसमें आप डिसाइड कर लीजिए। नहीं बिल्कुल, हमें पता है आप लोग भी चाहते हैं ऐसी, बहुत बार मैंने समझाया नहीं, उसमें मैं आपकी कोई जिम्मेदारी, मतलब मैं आपको जिम्मेदार भी नहीं ठहराता हूँ। वो जिस राह पे चला है, आप कभी मिल पाओगे नहीं मिल पाओगे, वो आपकी बस की बात शायद है नहीं।